हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगे थे, उस वक्त कन्हैया कुमार के साथ एक नाम चर्चा में आया था। नाम था शेहला रशीद। एक बार फिर वो शेहला देश विरोधी आरोपों के लपेटे में है। आज शेहला के देश विरोधी दावों का पंचनामा। फिर विवादों में घिरी है जेएनयू वाली शेहला रशीद। जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही शेहला पर सनसनीखेज आरोप। सबसे बड़ा जो कोर इशू है वो ये डिक्लेयर करना है कि इसकी इलीगल एक्टिविटीज का कहां तक एक्सटेंट है, किस हद तक ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कि अचानक इसका कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। क्या वाकई में शेहला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? क्या शेहला रशीद का टेरर फंडिंग कनेक्शन भी है? छात्र नेता के विवाद से लेकर टेरर फंडिंग के आरोपों तक, शेहला रशीद का संपूर्ण सत्य। शेहला रशीद एक बार फिर से सुर्खियों में है। शेहला पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं और बड़ी बात यह है कि शेहला पर ऐसे संगीन इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता अब्दुल रशीद ने लगाए हैं। डीजीपी को लिखी चिट्ठी में शेहला के पिता ने आरोप लगाया है कि शेहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शेहला की मां जुबैदा और बड़ी बहन आसमा भी शेहला का साथ देती हैं। टेरर फंडिंग में गिरफ्तार जहूर बटाली और रशीद इंजीनियर से जुड़ी हुई है शेहला। शेहला को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शेहला के पिता ने बेटी से अपनी जान को खतरा जताया है। पिता और बेटी में संग्राम छिड़ने के बाद शेहला और उनके पिता एक साथ पहली बार एबीपी न्यूज पर जुड़े। शेहला के पिता के आरोपों में कितना दम है और पिता के आरोपों पर शेहला ने किस अंदाज में जवाब दिया, आज की इस एक्सक्लूसिव बातचीत में देखिए। यह बातचीत की है मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने। पहली बात जनाब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। एलिगेशन जो है वो मेरे फादर के ऊपर है। उनके खिलाफ एक एफआईआर है, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको जो है घर ना आने दें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस इंसान है। सारा एविडेंस देख के कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इनके खिलाफ एक वारंट निकला है ट्रायल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने एक वारंट निकाला है इनके खिलाफ, क्योंकि ये पिछली सुनवाई में भी नहीं आए थे, ना ही इनके वकील आए थे। इन्होंने, अगर आपको दिखाया होगा ऑर्डर, आपने उसमें देखा होगा, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है। इन्होंने कोर्ट को जो है मिस रिप्रेजेंट किया है। दरअसल बात यह है कि इनको पहले ही मोहल्ले वालों ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ के साथ वायलेंस की थी, इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की थी। वो आप इनसे ही पूछिए कि ये जो है बचपन से लेके आज तक हमारी माँ को क्यों पीटते हैं, हमारे साथ क्यों गाली गलौज करते हैं, हमें घर से क्यों निकालते थे। इनका जो घर था, एक्चुअली जो इनका हबाकरल में जो इनका घर था, जो इनका मिल्कियत घर है, यानी जो मेरी माँ का ससुराल था, वहां से जो है बचपन में हर बार मेरी माँ को निकाल देते थे। हम लोगों को जो है रात को 9 बजे 3 माँ बेटियों को, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम लोगों को घर से निकाल देते थे। तो अब ये क्या करने आए हैं यहाँ पे, ये पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस हक से आ रहे हैं, ये किस हक से बोल रहे हैं। इनको आज तक ये नहीं पता है हम लोग किस क्लास में पढ़ते हैं, हम लोगों की फीस कैसे भरती थी, हम लोगों की यूनिफॉर्म का कलर क्या था, हम लोग कौन सी स्टेशनरी से बुक्स खरीदते थे, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये जो है इनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए है, मेरी माँ को परेशान करने के लिए। मेरी माँ ने जो है एक अलग मकान बनाया,
उन्होंने जो है हमें शेल्टर देने के लिए एक अलग घर बनाया, क्योंकि ये बार बार उनको वहां से निकाल देते थे। अब वहां पे भी आते हैं कहने के लिए कि नहीं जी आपने ये मकान क्यों बनाया, अगर आपके पास इतने पैसे थे तो ये मुझे ही दे दो। तो इनकी हमेशा पैसे पर ही नजर है, ये लालची किस्म के इंसान है, हमेशा इनका पैसा पैसा ही रहता है। जी जी मैं सुन रहा हूँ, इसको बोलो जब ये पढ़ाई के बाद पहली बार कश्मीर से बाहर गई किसके साथ गई, इसको बोलो जब इसका काउंसलिंग सेशन काउंसलिंग होनी थी जालंधर में, इसका जो बीटेक के लिए एडमिशन हो गया, इसकी जो काउंसलिंग जालंधर में होनी थी और एग्जाम दिल्ली में होना था, ये किसके साथ गई थी जरा इससे पूछो, बताइए शैला रशीद साहब, आप कह रहे हैं इसको हमारी यूनिफॉर्म का भी पता नहीं, किसके साथ गई थी ये जालंधर और दिल्ली किसके साथ गई थी ये? तीन चीजें गिनवाई हैं, अब आप यही देख लीजिए, इनको पूछ लीजिए ये किनके साथ गई थी, इन्होंने तीन चीजें गिनवाई है एग्जैक्टली, इन्होंने वही तीन चीजें हमारे लिए की हैं। अब अगर आप हमारी माँ से पूछे, वो दिन रात वो 30 साल से हमारे पीछे उन्होंने, बहुत चीजें तो बहुत सारी है, इनके साथ कोई डिबेट में नहीं जाना है, तो बहुत सारी है, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये कोर्ट में आनी, इनका वारंट निकला हुआ है कोर्ट में मैंने जवाब भी दे दिया इनको और कोर्ट से मैंने रेस्टोरेशन भी लाई अपने लिए, ये तो कोर्ट में मैंने इनको जवाब दे दिया, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने मुझे रेस्टोर किया है अपने घर में, और ये कहकर रेस्टोर किया है कि इनको ग्राउंड फ्लोर में रहना है और बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रहना है। इनको बोलिए कोर्ट में आए, कोर्ट में इनका वारंट निकला हुआ है, ये जो है 90 वकील आते हैं कोर्ट में, नहीं खुद आते हैं, इनको बोलिए कोर्ट में आए, वहाँ पे बात करें, बेकार है या कमाई वाली है, इससे पहले यही पूछ लो, ये पहले आप जवाब दीजिए आप जरूर बता दीजिए क्यों मिले थे, पहले उस चीज का जवाब दीजिए, क्योंकि इसने पार्टी ज्वाइन की थी, इसने उनकी पार्टी ज्वाइन, ये क्या ढकी छुपी बात है, इसने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, रशीद इंजीनियर के साथ एमलगेट नहीं हो गई थी वो पार्टी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एमलगेमेट हुई कि नहीं हुई, कौन चला रहा था अवामी इत्तेहाद पार्टी को, ये बहका रही है, पूरे प्रेस को बहका रही है, मुझे इन बातों का, इसकी इन एलिगेशन का जवाब नहीं, मैं कानूनी तौर पर दूंगा, मैंने सारे सबूत अदालत के सामने रखे। शैला रशीद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा कहा है, लेकिन पिता के देश विरोधी आरोपों के जवाब में शैला ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप मढ़े हैं, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटी पर देश विरोधी हरकतों में शामिल होने का झूठा आरोप क्यों लगाएगा। आप शैला के पिता से ही सुनिए कि वो अपनी बेटी को ऐसे गंभीर इल्जामों के कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं। देखिए मेरी इस चिट्ठी को ना आप फोकस कीजिए, 2017 के बाद, उससे पहले इसने जो कुछ भी दिल्ली में रह के किया मुझे उस पर गर्व था, गर्व इसलिए था कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी, एक अच्छे संगठन में थी, CPIM जो कि एक माना हुआ संगठन है और नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी के हैं। तो दूसरी बात ये है कि 2017 से हमारे बीच जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई वो इसी बात को लेकर हो गई कि अचानक इसका कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। एज अ कंसर्न फादर, अगर आप भी मेरी जगह होंगे, क्या आप बच्चे से ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपने अगर अपना ऑल टुगेदर यू टर्न ले लिया अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, क्यों लिया, पता लगना चाहिए। और उससे पहले जैसे मैंने कह दिया कि उससे पहले मुझे जहूर वटाली ने अपने घर पर बुला लिया जहाँ रशीद इंजीनियर भी थे, उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई जो कि फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शेप में आ गई कि एक पार्टी उन्होंने फ्लोट की जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से, उसके बाद एमलगेमेशन हो गया रशीद इंजीनियर की पार्टी का उसमें, समझ गए, ये एक ही स्टोरी थी जो इन्होंने अमेरिका में ड्रॉ की थी जिन दिनों शाह फैसल एजुकेशन लीव पे थे और वहाँ ये भी दो बार गई, तो ये मसला वहीं से शुरू होता है। मुझे तब तक इसके किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ किसी तरह का कोई क्लैश नहीं था, न कॉन्फ्लिक्ट था। तो एज अ कंसर्न फादर मैंने इससे यही सवाल पूछे बार बार कि क्यों आ गई, अगर उन्होंने मुझे पैसे का ऑफर दे दिया वो क्या था। तो लास्ट में जो हमारे साथ आपस में जो
बात हो गई, इन्होंने मेरे ऊपर चुप मतलब दबाव डाला कि मैं चुप बैठूं, जो कि मैं बैठा नहीं, तो इन्होंने मेरे ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। मैंने सारी बातें डीजी साहब की एप्लीकेशन में जो मैंने दे दी है उसमें रखी हुई है, अगर उनमें दम है तो डीजी साहब देख लेंगे, खुद देख लेंगे, आपको भी बताएंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या पाया। ये जो ये डोमेस्टिक वायलेंस ये बीच में लाती है, आपको पता है कि इनके स्टंट्स का आपको पता है ये किस तरह बात को घुमाने वाले लोग होते हैं, तो इनकी बातों की तरफ मत जाइए। पहले हमारे पास सबसे बड़ा जो कोर इशू है वो ये डिक्लेयर करना है कि इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ का कहाँ तक एक्सटेंट है, किस हद तक ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ये हमें पहले पता लगाना है। रही बात घर में वायलेंस की, तो वो वायलेंस बेसिकली पता लगना चाहिए ना सबको कि कितनी बार मेरे ऊपर इन्होंने केस किया है, कितनी बार मैंने इनके ऊपर वायलेंस की है। असल में ये दो मोहल्ले के दो चार लोगों के साथ मिली हुई है, तो वही ये सब कुछ करा रहे हैं। पिता के लगाए देशद्रोही आरोपों के बाद शैला रशीद अब बीजेपी के निशाने पर भी आ गई हैं। जम्मू कश्मीर के दो बड़े बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई है उसी का ये परिणाम है कि पता है कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी सारी दास्तान जो बयान की है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। सरकार एक अच्छा काम कर रही है मिलिटेंसी की, मुझे लगता है धीरे धीरे इस प्रकार के लोग हैं जो बेनकाब होंगे। आज सारी दुनिया के सामने इन नेताओं की काली करतूतें सामने आई हैं। ऐसे तमाम साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जो राष्ट्रद्रोह करेगा, जो जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करने की कोशिश करेगा उसको सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी शैला रशीद पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। कंगना ने शैला पर निशाना साधते हुए कहा है कि देशद्रोह से आपको पैसा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मित्र सहयोग सब मिलेगा, लेकिन देश प्रेम से आपको दुश्मन मिलेंगे, संघर्ष मिलेगा, पूर्वजों की सभ्यता की लड़ाई विरासत में मिलेगी। आपकी जिंदगी है, आपका निर्णय होना चाहिए, समझदारी की जिंदगी जीना है या मूर्खता की। मैं तो पैदाइशी मूर्ख हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि शैला रशीद विवादों में आई हो, कभी सरकार के खिलाफ बयानबाजी तो कभी देश की सेना पर विवादित टिप्पणियां करके शैला हंगामा खड़ा करती रही हैं। पिछले कई सालों में शैला के बायोडाटा में एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते आ रहे हैं। आखिर क्या है शैला रशीद की सच्चाई, देखिए शैला रशीद का संपूर्ण सत्य। साल 2016 में दिल्ली के जेएनयू से निकले इन नारों से पूरे देश में हंगामा मच गया था, जिसके बाद जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बनी शैला रशीद फिर सुर्खियों में आ गई है। तब कन्हैया और उमर खालिद के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही शैला रशीद उस वक्त जेएनयू के छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी। साल 2016 के बाद तो शैला और विवादों के साथ उनके नातों का जैसे सिलसिला चल पड़ा। शैला रशीद का ये वो ट्वीट है जिसने दो साल पहले पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। इस ट्वीट के जरिए शैला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस पर पीएम मोदी की हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया था। शैला के आरोपों के जवाब में जब नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई की बात की तो शैला बैकफुट पर आ गई और अपने ट्वीट को शैला ने मजाक बता दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथी और बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगाए गए ऐसे निराधार आरोपों पर शैला ने कभी माफी नहीं मांगी। शैला रशीद के भड़काऊ और विवादित ट्वीट का सिलसिला जारी रहा और पिछले साल तो हद तक पार हो गई जब शैला ने भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप लगा दिए।
भारतीय सेना ने शहला के बेबुनियाद आरोपों को खारिज कर दिया और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शहला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया था। अपने विवादित बयानों से हंगामा खड़ा करने वाली शहला रशीद इस वक्त जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर हैं। 2015 और 16 में जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही। एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग करने के बाद शहला ने बतौर इंजीनियरिंग की नौकरी भी की। शहला ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई, बाद में शहला शाह फैजल की पार्टी JKPM में शामिल हुई। हालांकि बाद में शहला ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। शहला रशीद। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसानों के बीच जो बैठक रही वो बेनतीजा रही। अब ये बैठक एक बार फिर परसों होगी, यानी 3 दिसंबर को सरकार और किसानों की बैठक बेनतीजा रही। परसों फिर होगी केंद्र और किसान नेताओं की बैठक। सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि परसों एक बार फिर सरकार के मंत्री और किसानों के नेता आमने सामने होंगे एक मेज पर। लगातार सरकार की यही कोशिश कि किसी भी तरह इस धरना प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके।